पर उन्होंने बयान दिया है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ वो गलत बता रहे हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो ढोल होता है उसको पीटेंगे तो फूट जाएगा, उसको जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे बजेगा। आप कहीं जाकर किसी सीखेंगे नहीं और वैसे ही पीटेंगे तो फूट जाएगा, फूट जाएगा। लेकिन अगर पीटने से बजता तब तो कोई भी बजा लेता, छोटा से छोटा बच्चा भी बजा लेता, तब कलाकारों की क्या जरूरत रहती। तो ढोल को पहले सीखना पड़ेगा कि वो कैसे बजेगा, कैसे उसे बजाया जाता है। और गवार, गवार जो होता है वो पढ़ा लिखा तो होता नहीं है कि किससे कैसे बात करना है, आप जैसे बात करेंगे वैसे भी वही करेगा। आप कुछ अच्छा बात कहे समझेगा कि हमको गाली दे रहा है। तो पहले जानना बहुत जरूरी है कि वो हमारी भाषा को कैसे समझेगा, हमारी बातों को कैसे समझेगा, फिर उसको बताइए। और शूद्र, इसमें कोई जाति का शूद्र नहीं कहा गया है। शूद्र तो वो होता है कि जो भगवान की भक्ति न करे, पूजा पाठ न करे, अधर्म पर चले, धर्म पर न चले, वो है शूद्र। वैसे तो शूद्र आदरणीय है। हमारे शरीर में चार वर्ण होते हैं, सिर होता है ब्राह्मण, हाथ होता है क्षत्रिय, पेट होता है वैश्य और पैर होता है शूद्र। कोई अपना से छोटा आता है तो पैर को ही प्रणाम करता है, ये नहीं कहता कि सिर को प्रणाम। नहीं, सही बात है, पैर को ही छू करके प्रणाम करता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों के भार को ढोता है, इसलिए शूद्र आदरणीय है। और पशु, इसके बाद पशु, जो पशु होते हैं, कोई भी पशु हो, तो मान लीजिए कभी आप गौ माता के पास या किसी भी, मान लीजिए गौ माता के पास गए और सहला रहे हैं, बड़ा प्रेम कर रहे हैं उनसे, और तब तक उनको कोई कष्ट हुआ और सिर को हिलाई, आपको चोट लग गया, आप पीछे खड़े हैं तो पैर चला दी, चोट लग गया, तो आप उनको मारने लगेंगे। पहले जानिए कि उनको क्या हुआ है, कोई कष्ट है कि क्या बात है, जानना बहुत जरूरी है। जरूरी है। और रही स्त्री की बात, हो तो महाराज क्या है, वो आदिशक्ति है, नारायणी है। स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, घर को स्वर्ग बना दे। और जो स्त्री होती है वो नारायणी होती है, आदिशक्ति होती है। स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, घर को स्वर्ग बना दे। देखिए, जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, वो घर नरक के समान है। और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग स्वर्ग के जैसा है। और जो है ताड़ना का अर्थ समझ रहे हैं मारना, तो ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है, ताड़ना का अर्थ जानना होता है। अच्छा।